Here in the eighth one, it says at what points in the interval 0 to 2 pi does the function sine 2x attain its maximum value? तो हमारे पास फंक्शन क्या है इस केस में? इट इज गिवन एज साइन ऑफ 2x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से 2 पाई तक. तो सबसे पहले तो आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव. साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 cos 2x वुड बी देयर. और हमें क्या करना है? फंक्शन को किसके इक्वल रखना है? 0 के. सो नाउ द f डैश x वुड बी इक्वल टू 0, 0 के इक्विवेलेंट होगा. तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? cos 2x ऑन द राइट हैंड साइड 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 0. और हमारा cos cos जो होता है वैल्यू वो 0 कब होता है? cos पाई बाय 2 पे विच इज 90 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है इफ cos x इज इक्वल टू cos y इज देयर, तो जनरल सॉल्यूशन उसका क्या होता है? देन x वुड बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वुड बी देयर. अगर कब लगता है कंडीशन? जब cos x इज इक्वल टू cos y दिया हुआ. सो हियर इन दिस केस x कितना है? इट इज 2x. रिमेंबर 2n पाई एज इट इज प्लस माइनस y. y कितना है यहाँ पे हमारा? पाई बाय 2. सो दिस इज देयर. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? वी वुड बी टेकिंग द 2 ऑन द अदर साइड. तो हमारी x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2n प्लस 1. पाई कॉमन ले लिया और 2 ये नीचे जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? पाई बाय 4. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? वी वुड बी चेकिंग एट डिफरेंट वैल्यूज कि 0 पे कितनी वैल्यू आती है, एंड n को हम डिफरेंट वैल्यूज लेकर देखेंगे. n इज इक्वल टू 0 पे कितना आता है, n इज इक्वल टू 1 पे कितना आता है, ताकि हम अपने वैल्यूज जान सके कि कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ सकता है. n इज इक्वल टू अगर 0 लोगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी x की? x वुड बी पाई बाय 4. अगर आप n को 1 लोगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 4. 4 को 4 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई पाई. n इज इक्वल टू 2 लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, एंड देन यू हैव इज पाई बाय 4. सो इट इज 4 प्लस 1 विच इज 5. क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? 5 पाई बाय 4. x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4. n इज इक्वल टू 3 इज देयर. 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू 6 3 विच इज 6. 6 प्लस 1 इज 7 पाई बाय 4. कितनी आ गई हमारी x की वैल्यू? 7 पाई बाय 4 वुड बी देयर. अब n इज इक्वल टू 4 लोगे इट विल बिकम 9 पाई बाय 4. देन यू वुड हैव 11 पाई बाय 4. और सबसे पहली बात नोटिस करो, 9 पाई बाय 4 क्या आ रहा है? ये 2 पाई से बड़ी वैल्यू आ रही है. दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई. तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं. लेट्स इग्नोर दिस, क्योंकि ये तो हम सब्सिट्यूट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि 0 से 2 पाई का इंटरवल दिया हुआ है. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई इस केस के लिए? n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज इक्वल टू 3 तक. तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? आई नीड टू पुट दीज पॉइंट्स इन टू द फंक्शन. फंक्शन में पुट करने हैं ये वाले पॉइंट्स हमने. x इज इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा पहले, तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? साइन 0. x इज इक्वल टू 0 पे साइन 0, और फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 0 ही होता है साइन 0 पे. तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करोगे, f ऑफ पाई बाय 4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई बाय 4. 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया. पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1. x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज द. थ्री पाई बाय 4 इज देयर. इन दिस केस 3 पाई बाय 4 को सब्सिट्यूट करोगे आप तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? हेयर आई हैव रिटन इज रॉन्ग ऑन द राइट हैंड साइड. n इज इक्वल टू 1 पे 3 पाई बाय 4 आएगा. सो 3 पाई बाय 4 हमारा हो गया. तो साइन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाय 4. और 2 से हमारा 4 कैंसिल, 2 आ गया. और साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है आपका? इट इज माइनस 1. नाउ x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4 इज द फंक्शन ऑफ 5 पाई बाय 4. तो पुट करोगे 4, 4 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू क्या मिलेगी आपको? इट वुड बी 5 पाई ओवर 2. 5 पाई ओवर 2 कितना होता है आपका? इट वुड बी 1. एंड इफ यू पुट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, तो आपका 7 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा इस केस में? इट वुड बी साइन
सेवन पाई टू साइन सेवन पाई बाय टू, और सेवन पाई बाय टू इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस वन, किसके इक्विवेलेंट होता है माइनस वन के। कैसे होता है यहाँ पे, आप इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हो सेवन पाई बाय टू को, थ्री पाई प्लस पाई बाय टू, तो आपका क्या बन रहा है ये साइन पाई बाय टू, सो विच वी नो इज नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाय टू, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज थीटा ओनली, माइनस साइन थीटा तो माइनस वन आ जाएगा। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू टू पाई, तो टू पाई पुट करोगे अगर आप फंक्शन में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, साइन फोर पाई वुड बी देयर, और साइन फोर पाई तो हमारा जीरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जब जीरो है तो हमारा फोर टाइम्स भी उसी लोकेशन पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यूज किस किस पे आ रही है हमारी, यू कैन सी इट, इट इज एट पाई बाय फोर एंड इट इज एट फाइव पाई बाय फोर। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो सकती है, विच इज पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय फोर।